हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर रितिका दुआ, डाइटिशियन एंड आयुर्वेदा। डियर, आज मैं जो प्लान आपके लिए लेकर आई हूँ, दिस इज अ समर चैलेंज वेट लॉस प्लान, जो कि मेरा चल भी रहा है इस समय। तो आजकल जैसे लोग मैरिज पे चले जाते हैं या पार्टीज में चले जाते हैं, तो लोग अगले दिन मुझे आकर कहते हैं कि मैम वेट बढ़ गया। तो आज मैं आप सबको, तो नेक्स्ट डे आते ही बोलते हैं कि वेट लॉस करके दो, तो मैं इस डाइट के अंदर आपको 1 डे में 1 से 2 kg या हो सकता है 3 kg भी वेट लॉस डाइट बताने जा रही हूँ। दिस प्लान इज अ नेम ऑफ डिटॉक्स प्लान। आप मेरी इंस्टाग्राम में, मेरे फेसबुक पे रिव्यूज देख भी सकते हैं कि मेरे काफी क्लाइंट्स एक एक दिन में 2.5 किलो, 3 3 किलो वेट लॉस कर लेते हैं। तो वो पूछते हैं कि मैम आप कौन सा मैजिक दिखाती हो, तो मैं मैजिक नहीं दिखाती, यही डिटॉक्स प्लान देती हूँ। तो आज मैंने सोचा सबको ये डाइट सबके साथ शेयर की जाए, ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो प्लीज आप ये वीडियो लोगों को जरूर शेयर करना, ताकि सबको ये इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं इस डाइट को। जब भी आप मॉर्निंग में उठे, व्हेन यू वेक अप, देन आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उठते ही आपने कोई भी एक डिटॉक्स लेना है। उठते ही सबसे पहले चाय नहीं पीनी है हमें, पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिटॉक्स करना चाहिए। बॉडी को डिटॉक्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर हम उठते ही चाय पी लेंगे तो बॉडी, तो हमें सबसे पहले क्या करना, उठते ही सबसे पहले डिटॉक्स करना है बॉडी को। तो क्यों, अभी समय समर्स में फ्रेश कोरिएंडर आ रहा है। कोरिएंडर बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। तो आप क्या कर सकते हैं, कोरिएंडर को लेकर पानी में बॉयल कर लीजिए, देन उसको सीव आउट करके छान के उसका पानी पी लीजिए। उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, नमक वगैरह ना कोई मसाले। या आप सेकेंडली आप कर सकते हैं जीरा वाटर। जीरा वाटर को रात को सोक करके रख दीजिए, सुबह उठ के उसको उबाल के, बॉयल करके, छान के उसको पी लीजिए। जीरा भी बहुत अच्छा होता है समर्स के लिए। तो आप ये दोनों ही चीजों में से कोई भी एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं। आंवला का जूस भी ले सकते हैं, आंवला भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, वो भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। तो तीनों चीजों को आपने ल्यूकम वाटर में डालकर ही लेना है, और उसके देन हाफ एन आवर तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद सबसे पहले आपने 5 बादाम और 2 अखरोट की गिरी लेनी है। बादाम और अखरोट बहुत जरूरी है, सोक्ड करे हुए लेने हैं, क्योंकि समर्स हैं और वैसे भी किसी भी ड्राई फ्रूट का न्यूट्रिशन तभी मिलता है जब हम उसे सोक्ड करके लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को, 5 बादाम को और अखरोट को सोक्ड करके लीजिए। आलमंड में बहुत ही अच्छा विटामिन ई और बहुत अच्छा प्रोटीन माना पाया जाता है। तो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इन्हें सोक करके रोज सुबह 5 बादाम और 2 अखरोट आपने खाने हैं। साथ में अपनी रेगुलर जो भी आप टी लेते हैं, टी की रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बस टी के अंदर आपने शुगर को ऐड नहीं करना है, जैगरी पाउडर या स्टीविया आप डाल सकते हैं। देन उसके हाफ एन आवर बाद आप ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे कि बेरीज, आपको पता ही है कि वो वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती हैं, तो आप क्रैनबेरी और ग्रैनुला स्मूदी ले सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं बेरीज नहीं, तो आप मैंगो भी ले सकते हैं। समर्स में मैंगो तो चारों तरफ है, वैसे भी मैंगो फलों का एक किंग कहलाता है। तो इस समय चारों तरफ मैंगो मिल रहा है, उसमें बहुत ही अच्छा विटामिन सी और ए बहुत अच्छा मिलता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने मैंगो शेक बनाना है, उसकी भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आपने मैंगो शेक लेना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, मैंगो शेक हो या फिर आपकी क्रैनबेरी ग्रैनुलर स्मूदी हो, आपने आलमंड मिल्क में बनानी है। यहाँ पे मिल्क डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है हमने। तो अगर आप जो भी शेक बनाएंगे आलमंड मिल्क में या कोकोनट मिल्क में, किसी भी मिल्क में आप बना सकते हैं। आलमंड मिल्क होममेड कैसे बनता है, इसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और इसकी एक स्मूदी बनाकर आपने पीनी है ठंडी ठंडी। और बस नहीं यूज करना है तो शुगर नहीं ऐड ऑन करना है, आप जैगरी पाउडर या स्टीविया डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। देन उसके बाद आपने हाफ एन आवर बाद अपनी कोई भी ग्रीन टी या नींबू पानी कुछ भी आप ले सकते हैं। और अगर फीलिंग हो रही है हंगरी की, तो आप एक बिग प्लेट सैलेड की लेंगे। सैलेड में टमाटो, कुकुम्बर, ककड़ी अभी समर्स में बहुत अच्छा मिल रहा है, भुना जीरा, काली मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। बस नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन जूस, बट ऐड नहीं करना है। तो हमें सॉल्ट नहीं यूज करना है, क्योंकि ये डिटॉक्स डे प्लान है। तो
तो जितनी भी हमारी बॉडी में ब्लोट हो रखा होता है उसको ब्लोटिंग को रिमूव करने के लिए हमने ये डाइट कर रहे हैं आज का, और हमें इंजॉय कर सकते हैं सैलेड को लेकर। खूब सारा सैलेड लीजिए, उसके हाफ एन आवर बाद लंच टाइम आएगा। लंच टाइम हमारा रहेगा 1 से 2:30 के बिटवीन में, जिसके अंदर मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, कोई भी एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं। टोफू सैलेड ले सकते हैं, टोफू इज अ गुड प्रोटीन सोर्स, क्योंकि हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, फाइबर भी अच्छा जाना चाहिए, तो सैलेड फाइबर से बहुत अच्छा गया। अब हमें प्रोटीन के लिए टोफू सैलेड ले सकते हैं, या फिर जो लोग टोफू नहीं खाते तो वो पनीर ले सकते हैं, पर टोफू पनीर से ज़्यादा बेस्ट है। एंड सेकेंड ऑप्शन, जो लोग एग वगैरह लेते हैं वो 4 एग व्हाइट का ऑमलेट बना सकते हैं, या बॉइल्ड एग खा सकते हैं, या फिर जो लोगों को ये दोनों ही चीज़ नहीं लेनी है तो फिर वो लोग स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स आप किसी भी चीज़ के ले सकते हैं, मूंग के, मोठ के, कोई भी स्प्राउट सैलेड बना सकते हैं। तो सैलेड ले सकते हैं, लेकिन हमें नमक का ऐड नहीं करना। भुना जीरा, काली मिर्ची डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। काली मिर्च कहते हैं कि कफ को खत्म करने में बहुत हेल्प करती है, और अगर जिनकी भी बॉडी में कफ प्रवृत्ति होती है तो कफ को खत्म कर देती है। और जीरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, बहुत अच्छा जिंक आयरन देता है, तो ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने हाफ एन आवर के बाद ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी या कोई कैमोमाइल टी, जो भी टी आपको, टर्मरिक टी, जो भी टी आपको पसंद है वो आप टी बना के ले सकते हैं इवनिंग में। एज यूजल, जैसे कि आप लोगों को चाय पीने की आदत होती है, टी, जो लोगों को टी पीने के हैबिचुअल है वो टी पी सकते हैं, जिन्हें नहीं है वो नींबू पानी ले सकते हैं, पर नींबू में सॉल्ट नहीं ऐड करना। आप स्टीविया या जागरी पाउडर का यूज करके और नींबू पानी या प्लेन नींबू पानी आप ले सकते हैं, और उसके साथ आप एक कटोरी मखानी भी ले सकते हैं विदाउट सॉल्ट रोस्ट करके। आप इसकी भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देन उसके बाद आपका डिनर आता है। डिनर में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉइल्ड पोटैटोज ले सकते हैं, उबले हुए आलू, 2 उबले हुए आलू जिसमें भुना जीरा काली मिर्ची डालकर, या सेकेंड ऑप्शन आप दोबारा से क्रैनबेरी स्मूदी भी ले सकते हैं आलमंड मिल्क के अंदर या कोकोनट मिल्क के अंदर, या थर्ड आप बॉइल्ड राइस और कर्ड का भी यूज कर सकते हैं, पर सॉल्ट लेस करना है। डिनर में तो बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं लेना, फुल डे सॉल्ट हमारी डाइट में नहीं जाएगा ये डाइट के अंदर। अगर जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है या जिनका बीपी लो रहता है वो थोड़ा सा सॉल्ट हाफ एप्पल में कट करके हल्का सा सॉल्ट डाल के ले सकते हैं, अदरवाइज इस डाइट के अंदर सॉल्ट फ्री ही रखना है। आफ्टर डिनर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमें कोई त्रिफिला पाउडर या डिटॉक्स चूर्ण या कोई इस तरह का कोई पाउडर लेना है, जिससे अगले दिन कॉन्स्टिपेशन ना रहे, क्योंकि इस डाइट से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए आपको या तो सौंफ, जीरे का पानी, या त्रिफिला पाउडर, या डिटॉक्स पाउडर, कुछ भी इस तरह का पाउडर रात को 2 चम्मच गर्म पानी के साथ लेके सोना है। और इस डाइट से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, 2 kg तक वेट लॉस हो सकता है। तो आपको अगर कोई भी इस डाइट में कोई भी रेसिपी पूछनी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी सारी फ्रेंड्स, 8 मई को मदर्स डे आने वाला है, तो मेरी तरफ से मेरी सारी प्यारी प्यारी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस, क्योंकि मेरा मानना है कि मम्मियाँ सबसे प्रीशियस चीज़ होती हैं। फादर भी होते हैं और मम्मियों का बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो मेरी सारी मम्मियों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।